20 वर्षीय सुभाष का शव शनिवार की सुबह घर के कमरे में फांसी पर झूलता मिला। रिपोर्ट के अनुसार सुभाष आईपीएल मैच में सट्टा लगाकर लगातार हार रहा था, जिस वजह से वो लाखों रुपए का कर्जदार हो गया था और इस तनाव में उसने शुक्रवार रात आत्महत्या कर ली। ऐसी कितनी न्यूज आप आए दिन पढ़ते होंगे, फिर भी आप सट्टा खेलने की तरफ बढ़ते हैं। सट्टा खेलने से कितना फायदा और कितना नुकसान है, पहले आप ये जान लें, फिर खुद तय करें कि हमें खेलना चाहिए कि नहीं। एक गरीब इंसान जो महीने का सिर्फ 5,000 कमा रहा है और उस कमाई में उसे अपने माँ बाप, छोटे भाई बहन और अगर वो शादीशुदा है तो बीवी और बच्चों की जरूरत पूरी करनी होती है। दिन रात मेहनत करके भी वो उनकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता और अगर घर में कोई बीमार हो जाए तब तो वो कर्जे तक में डूब जाता है। ऐसे में उस इंसान के अंदर उदासी, गुस्सा बढ़ता जाता है और इस वक्त उसे जब सट्टे द्वारा अमीर बनने का मौका मिलता है तो वो अपनी लाइफ में उम्मीद का एक दिया जगा देता है। कर्ज लेकर, बीवी के जेवर गिरवी रखकर सब पैसे सट्टे में लगा देता है। उसे सट्टेबाज सुनहरे सुनहरे सपने दिखाता है कि कैसे वो अमीर बन जाएगा और उसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और उसे घुटघुट कर जीना नहीं पड़ेगा। वो दुखी इंसान सपनों के हवा महल में जीने लगता है, बिना सोचे समझे कि अगर वो हार जाए तब क्या होगा। पूरा पैसा सट्टे में लगा देता है और जब उसकी उम्मीद टूटती है, यानी जब वो हार जाता है, तब वो हकीकत की दुनिया में लौटता है जहां उसे ऐसा लगता है कि अब उसके पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं। इंसान कम पैसे में ज्यादा कमाने के लालच में अपनी पूरी जमा पूंजी इस उम्मीद में लगा देता है कि जीतने पर उसका फ्यूचर बेहतर हो जाएगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएगा। सारे पैसे गंवा बैठने का मन में अफसोस रहता है। उसके मन में कई तरह के थॉट्स चलते रहते हैं कि अब वो क्या करेगा, किससे हेल्प लेगा, पैसा फिर कैसे कमाएगा, नुकसान की भरपाई कैसे करेगा, जब लोगों को पता चलेगा तो उसके बारे में क्या सोचेंगे, इन सबसे वो कैसे निकलेगा। ऐसे विचार उसके मन में आते रहते हैं और वो डिप्रेशन में चला जाता है और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। सट्टे द्वारा पैसे कमाने का शॉर्ट तरीका शायद आपको बहुत आसान लगा होगा। सट्टा आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर बुरा प्रभाव डालता है। अगर आप शॉर्टकट की जगह मेहनत करें, मानती हूँ बहुत लोगों को मेहनत के बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन इस मेहनत में आप खुद की नजरों में गिरते नहीं, आपको किसी को जवाब या पैसा देने का टेंशन नहीं होता। थोड़ा बस ध्यान देने की जरूरत है और बातों को समझने की जरूरत है। जब हम परेशान होते हैं और जब हमारे पास पैसों की कमी होती है, चारों तरफ से टेंशन होता है, तो हमें ये बहुत आसान तरीका नजर आता है, बट हम इसके बुरे रिजल्ट को नहीं सोचते। मैं ये नहीं कहती कि आप हमेशा निगेटिव सोचें कि आप जीतेंगे नहीं। एक सेकंड के लिए हम मान लें कि आप सट्टे में जीत गए, तो क्या आपकी लाइफ वहीं तक स्टॉप हो जाएगी? उसके बाद आपको लाइफ में कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? और क्या ये जरूरी है कि अगर एक बार आप सट्टे में जीते तो आप दूसरी बार भी जीतेंगे? बातें बहुत सिंपल है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हम इन सब चीजों को नहीं सोचते। हम दूसरे इंसान को राय बड़ी अच्छी दे देंगे कि आप सट्टा नहीं खेलो, गलत है, लेकिन जब खुद पे आती है तो ये चीजों को हम फॉलो नहीं कर पाते। होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। मन में कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करें।